हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में पूर्वा ब्रांच की शारदा नहर पर स्थित बंदरहा पुल के पास शुक्रवार को एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। आसपास से गुजर रहे लोगों ने लाश को देख इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने आसपास के गांव के लोगों से महिला की पहचान कराई, लेकिन कोई भी महिला को पहचान नहीं पाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सोशल मीडिया पर महिला की फोटो को वायरल कर दिया। आज सुबह महिला का पति उन्नाव पहुंचा। पति ने बताया कि वो कन्नौज जिले के थाना तिरवा क्षेत्र के कालिका नगर का रहने वाला है और ये उसकी पत्नी नौशीन खातून का शव है, जो पेशे से एक शिक्षिका थी। पति मोहम्मद आजम के मुताबिक उसकी शादी हरदोई के किदवई नगर माधवगंज में मार्च 2023 में हुई थी। पत्नी प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षिका थी। उसकी तैनाती मायके के पास ही टिकरिया प्राथमिक स्कूल में थी, इसीलिए वो वहीं रहकर नौकरी कर रही थी। पति भी कन्नौज के उमराहा ब्लॉक में पुतारी कंपोजिट स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात थे। वो हर शनिवार को अपनी ससुराल आता था। पत्नी नौशीन पांच बहनों में सबसे छोटी थी। गुरुवार सुबह 5 बजे बिना बताए वो कहीं निकल गई। इस दौरान जब ससुराल वालों से इस बात की उसे खबर मिली तो तुरंत ही वो ससुराल पहुंचा। यहां पर लगे आसपास सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो एक सीसीटीवी कैमरे में महिला नहर की तरफ जाती हुई दिखी थी, जिसके बाद नौशीन के भाई तौसीफ ने माधवगंज थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद शुक्रवार की शाम को दही थाना क्षेत्र के बदराह पुल के पास महिला की लाश मिलने की सूचना मिली। पति ने बताया कि 29 जनवरी को नॉर्मल डिलीवरी से उसके पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था, मगर उसके बाद बेटे की हालत बिगड़ गई और उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। 23 फरवरी को बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद से पत्नी डिप्रेशन के मरीज बन गई, जिसके बाद से कई डॉक्टरों से उसका इलाज और काउंसलिंग चल रही थी। पति ने बताया कि पत्नी के मायके से करीब 500 मीटर दूरी पर ही शारदा नहर है। जिस दिन महिला गायब हुई वो सीसीटीवी में नहर की ओर भागती हुई दिखी थी। बहरहाल इस मामले में मायके पक्ष की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पति के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव, जूडी यूपी।